झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के पूर्व प्रेस सलाहकार सुनील तिवारी पर यौन शोषण का आरोप लगने के बाद झारखंड की राजनीति का पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। एक तरफ यह मामला सामने आने के बाद बाबूलाल मरांडी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा कि सरकार किसी को बदनाम करने को लेकर पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी दल कांग्रेस के तरफ से कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ की इस बात कहती है और कानून जब अपना काम कर रहा है तो बीच में रोड़ा उत्पन्न करती है। वहीं दूसरी तरफ केरना समिति के तरफ से भी आज बाबूलाल मरांडी का पुतला दहन किया गया और ये कहा गया कि आदिवासी बच्ची के साथ जो शोषण हो रहा है उसको लेकर बाबूलाल मरांडी कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के बचाव में खड़े हैं और जो आरोपी है उसे एक सप्ताह के अंदर गिरफ्तारी की मांग हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता एवं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के पूर्व राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी के खिलाफ एक युवती ने रांची के अरगोड़ा थाना में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार अरगोड़ा थाना में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में युवती ने दुष्कर्म, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। युवती के अनुसार बलात्कार का मामला लगभग एक वर्ष पूर्व का है। खूंटी की रहने वाली इस युवती ने बताया कि वह सुनील तिवारी के घर पर घरेलू कामकाज करती थी और मार्च 2020 की रात यह घटना हुई। वहीं अब युवती के शोषण के आरोप में दर्ज केस के बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई है। भाजपा और राज्य में सत्ताधारी दल कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने पैच पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मुंबई मामले में जब से सुनील तिवारी इंटरवेनर बने हैं उस समय से लगातार उन्हें बर्बाद की जाने की धमकी दी जा रही है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है। पुलिस घर से नाबालिग को उठाकर आधी रात तक थाने में रख रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस राज्य सरकार का टूल बनकर काम कर रही है, कहीं से भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी जाती है। इस मामले की जांच सीबीआई या सिटिंग जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर होनी चाहिए। कल अभी चूंकि गवर्नर है नहीं, गवर्नर आएंगे, महामहिम आएंगे तो उनसे भी हम लोग मिलेंगे, अर्जी करेंगे। अगर इस प्रकार की किसी को भी कोई लोग, तब तो कोई किसी के घर में कोई काम करने में लोग डरेंगे, काम करने वालों को रखने में लोग डरेंगे। और सरकार के विरोध में आप सब लोग भी लिखते हैं, आप सब लोग भी दिखाते हैं, तो आप लोगों को भी सावधान में कर देना चाहता हूं कि किसी दिन आपके ऊपर भी कोई इस प्रकार की केस कर देगा। तो ये बिल्कुल अन्याय है, जुल्म है और इसका हम विरोध करते हैं और हम इसका कहते हैं कि भाई जाँच करिए और निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराइए। इसलिए मैं आज आप सब लोगों के समक्ष मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और इसलिए लगा कि मैं आज आप सब लोगों के सामने इन सारे बातों को या तथ्यों को मैं रख सकूँ। वहीं अब बाबूलाल मरांडी के बयान के बाद कांग्रेस प्रवक्ता राजेश गुप्ता ने कहा कि राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी अपना मुख्य काम राजनीतिक क्रियाकलाप को छोड़कर अब प्रत्यक्ष तौर पर वकालत का काम करना शुरू कर दिए हैं। खासकर जब वे बीजेपी में दोबारा शामिल हुए हैं, वे पार्टी से संबंधित लोगों के कुकृत्य की वकालत करने लगे हैं। भाजपा झूठे लोगों की पार्टी है, पुलिस अपना काम कर रही है, इसमें सरकार का किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं है। देखिए, पिछले कुछ समय से बाबूलाल जी का बयान बिना तर्क का होता है। अब बहुत सारे चीज़ों पर देखेंगे, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ और राज्य के हमारे पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं, मगर इधर जिस पार्टी में गए हैं उस पार्टी के साथ जो उस पार्टी की विचारधारा है, झूठ आधारित पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उनके कोई भी नेता सच नहीं बोलते और उनके पार्टी में जाने वाले दूसरे पार्टी के बोला जाए तो भ्रष्ट नेता वहाँ शुद्ध हो जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि बाबूलाल जी क्या बोल सकते हैं।
क्या ये सुनील तिवारी पर जो लगा है एवं शोषण कार्य केला में, उनका कहना है कि जो मेड का काम करती थी उसको पुलिस जबरदस्ती उठा के ले गई, जबरदस्ती गया FIR दर्ज करवाया गया, एक जो लड़की है वो कोर्ट के शरण में भी पहुंच गई उसके परिवार। किस तरह से पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं, पुलिस काम कर रही है, सरकार का कोई दबाव है? देखिए सरकार का कहीं पर कोई दबाव नहीं होता, पुलिस निष्पक्ष होती है, न्यूट्रल होती है, ये संविधान भी मानता है, कोर्ट भी मानता है। निष्पक्ष होकर प्रशासन किसी भी राज्य का प्रशासन है वो कि सरकार के अधीन रहते जरूर है मगर कार्य न्याय संबद्ध ही करते हैं। तो जो भी कार्य हुए हैं या जो भी जिन पे FIR हुआ है, मुझे ये लगता है कि वो अपना कार्य कर रही है और फिर जो सत्य बात होंगे वो सामने चले। बाबूलाल जी इतने बड़े नेता है झारखंड के, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोग कुछ भी आरोप लगा सरकार को, आपने मैंने तो बोला खरीद लिया है कि बाबूलाल जी जिस पार्टी में गए हैं वो विश्व के सबसे झूठी पार्टी है, उनमें वो गए हैं तो सच तो बोलेंगे नहीं, जो मन में आएगा मनगढ़ंत बातें बोलेंगे, काल्पनिक बातें बोलेंगे, कोरी बातें बोलेंगे, सत्य से तो कभी वास्ता पड़ा नहीं। आदिवासी युवती पर शोषण के मामले पर केंद्रीय सरना समिति ने रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर बाबूलाल मरांडी का पुतला फूंकते हुए कहा कि बाबूलाल मरांडी अपने पद का इस्तेमाल कर आरोपी को बचाने का काम कर रहे हैं, इसे आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगी, एक सप्ताह के अंदर अगर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। तब से उसका चाल चलन आचरण सभी बदल गया है, अभी हाल में दिनों को देखेंगे जो मुख्यमंत्री के काफिलों पर जो हमला कर मुख्य आरोपी थे भैरव सिंह, वैसे व्यक्ति को बुलाकर अपने आवास पर फूल माला देकर स्वागत करने का काम करते हैं। आप देखिए उनका प्रेस सलाहकार सुनील तिवारी जी, सुनील तिवारी जी जो बाबूलाल जो है उनके जो प्रेस सलाहकार है जो उनके एक आदिवासी लड़की के साथ में राजनीति सलाहकार जो है, जो सुनील तिवारी जी जो है एक आदिवासी लड़की के ऊपर में अत्याचार और शोषण का मामला उसके ऊपर में आता है और बाबूलाल मरांडी कहते हैं कि वो निर्दोष है, आप कौन होते हैं निर्दोष और दोषी देने वाले, ये जांच का विषय है। मैं बाबूलाल मरांडी से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर सुनील तिवारी अगर एक हफ्ता के अंदर में अगर गिरफ्तार नहीं होते हैं तो हजारों की संख्या में हम लोग बाबूलाल मरांडी का आवास घेरने का काम करेंगे और उसे आदिवासी का ताकत दिखाने का काम करेंगे कि आदिवासी के ऊपर अत्याचार और शोषण करना अगर इस तरह का होता रहेगा बीजेपी के हाथों में तो हम लोग आदिवासी चुप नहीं बैठेंगे। आज हजारों की संख्या में मुख्यमंत्री बाबूलाल पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का आवास घेरेंगे और उसे अपनी ताकत का एहसास कराएंगे और ये आदिवासी के ऊपर जो भी शोषण और अत्याचार करेगा उसे आदिवासी उनका औकात दिखाने का काम करेंगे। अभी सवाल एक है कि उसका है कि पुलिस जबरन FIR दर्ज कराने के लिए हम लोग का गलत बयान दिए अभी से थोड़ी देर पहले, तो किस तरह से देख रहे हैं परिजन? देखिए बाबूलाल मरांडी झूठ बोल रहे हैं, सरकार सच बोल रही है। बात ऐसे है उनका घर वाला का मामला नहीं चलेगा, जिस बच्ची के साथ में घटना घटा है उस बच्ची 164 के बयान के अंतर्गत अपने कोर्ट में बयान दिया है कि मेरे साथ सुनील तिवारी जी ने मेरे साथ दुष्कर्म किया है, तो हम उसकी बात माने, उनका घर परिवार लगा बात माने, जिसके साथ इस तरह का रेप बलात्कार होता है तो जिसके साथ घटना घटती है वो साक्ष होते हैं, उनकी गवाही चलती है कोर्ट में उनका, यानी कि घर लगा गवाही नहीं चलता है, इस चीज़ को समझने और बुझने की बात है। बहरहाल नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण का मामला सामने आना निश्चित तौर पर यह गंभीर विषय है और इस मामले को लेकर एक तरफ तो राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप चल रहा है लेकिन सबसे बड़ी बात होगी कि इस मामले को लेकर निष्पक्ष जांच होना, क्योंकि कई सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सवाल तभी समाप्त होंगे जब निष्पक्ष जांच होगा और पूरा मामला सामने आ जाएगा। कैमरा पर्सन जैन के साथ सुजीत कुमार, मिरर मीडिया, रांची।